नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे थाने के प्रसिद्ध एपी शाह कॉलेज में होने वाले फेयर के बारे में, जहां पर हमें मिली जानकारी के मुताबिक अंदाजन 50 कंपनियां आने वाली हैं और अंदाजन 2000 कैंडिडेट्स आने वाले हैं एक अच्छी जॉब की तलाश में, और ये दोनों के बीच सेतु का काम करने वाली हैं इसरे। मित्रों, इसरे इस क्षेत्र में पिछले 42 साल से कार्य कर रही है। भारत में 55 और विदेश में 3 इनके चैप्टर हैं और अंदाजन 26,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं थाना और थाने चैप्टर के प्रमुख मिस्टर हेमंत खड़से जी से मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज का आयोजन कितना सफल रहा, कितनी कंपनियां आई, कितने कैंडिडेट्स आए और कितनी कंपनियों को अपने मनवांछित कैंडिडेट्स वहाँ से मिले, कितने स्टूडेंट को अच्छी जॉब मिली और किस किस क्षेत्र में आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी होने वाली है। हम कंपनियों से भी मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में कौन सी क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट को, हमारे युवा को फ़ायदा हो। तो चलिए चलते हैं थाना। नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मंथन नई मुंबई में। दोस्तों, जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी समाज का अच्छा कार्य हो रहा है, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा हो या व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा हो, हम कोशिश करते हैं कि उनको आप तक पहुंचाने की, और इसी सिलसिले में आज मैं थाने में आया हूं। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य यहां पर इसरे जॉब फेयर लगा हुआ है 2023। ये थाने शहर में लगा हुआ है और हमारे साथ यहाँ के मानद सभ्य जो इनका आयोजन किया हुआ हमारे साथ है, हम उनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के वक्त ही मुझे लगता है सबसे बड़ी ज़रूरत ये जॉब फेयर है, क्योंकि हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन जो है वो परेशान हो रहे, जो युवा है डिग्री तो है हाथ में लेकिन उसके साथ बेरोजगारी बहुत है, उनको अच्छी तक नहीं मिल रही, अच्छी जगह उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो उन्होंने एक साथ यहाँ काफ़ी कंपनियों को बुलाकर आज सुबह से आयोजन चालू था, तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंत खड़से है। आप इसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं अभी ये साल का इसरे थाने चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। ओके, इसरे का फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ओके, ग्रेट। ये HVAC डोमेन में कार्यरत है जी। 42 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या बात। 55 चैप्टर्स है ऑल ओवर इंडिया में। ग्रेट। और अभी 3 चैप्टर आउटसाइड इंडिया में भी खुले हैं। 26,000 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया है और हमारे थाने चैप्टर में ऑलमोस्ट 700 मेंबर्स है। ग्रेट सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ओके। और हमारा थाने चैप्टर का ऑफिस थाने में है। आप संभालते हैं? यस सर। आज का ये कैसा रहा, कितनी कंपनियां आई थी आज? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला जी। यही पहला साल था हमका कि इसरे थाने चैप्टर ने ये इसरे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है खुद के बल पर। ओके, ग्रेट। तो हमको पहले शुरुआती में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कितने कंपनीज आएंगे, कितने स्टूडेंट आएंगे, बट आप मानेंगे नहीं, आज 3,000 स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं। क्या बात है। और 50 कंपनी ने यहाँ पे आज इंटरव्यू लिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं। देर आर एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स विल गेट सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड बाय दोस 50 कंपनीज। क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा स्टूडेंट जो हमारे युवा हैं वो उनके चेहरे पे एक चमक थी, जब मैं अंदर आया तो जाते हुए उनके चेहरे पे हंसी थी और ये दिखा रहा था कि उनको जॉब, उनको उनके मन के हिसाब से जॉब आप दिलवा पाए, उनको मिल पाया यहाँ से। तो तकरीबन जो आपने कहा सुबह से सिलसिला चालू था, युवा कितने खुश हुए? बहुत बहुत। हमने इंटरव्यू भी लिए हैं बहुत सारे लोगों के जिनके पास जॉब है, बट उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिला कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। आज अपॉर्चुनिटी की तलाश है, उनके पास स्किल है, नॉलेज है, डिग्री है, बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते तो वो थोड़े से निराश हो जाते हैं। तो आज हमने प्रयास किया है कि ये इंडस्ट्री कनेक्ट जिसको बोलते हैं वो कनेक्ट करवे हमको, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसा बदलाव वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सुधरा है। अभी लास्ट में हम देखें तो हर एक कोई भी कॉलेज हो या यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब अच्छे परसेंटेज के साथ युवा हमारे पास हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आज दौर हम कह सकते हैं फीमेल का है, महिलाओं का है, तो आज की छात्रा छात्रियों में किसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी? नहीं, बट आज मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे गर्ल्स थे, लेडीज़ थे, बहुत सारे इक्वल थे, बट ऑफकोर्स मैकेनिकल जो हमारा रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा रहता है उसमें कमियां है मैकेनिकल में लेडीज़ की, इसकी वजह से छात्राएं कम दिखाई दी, बट अदरवाइज़ लेडीज़ का भी बहुत प्रेफरेंस यहाँ पे है, IT में हो या इलेक्ट्रिकल में हो,
सो बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स भी थी, क्योंकि एक क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ महिलाएं अभी तक गर्ल्स इसमें ज़्यादा हिम्मत नहीं करती है। मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसमें थोड़ा सा उनको एक झिझक सी होती है, लेकिन शायद अब वो दूर हो रही है। कहीं ना कहीं हम ये अच्छे भारत की तरफ जा रहे हैं, नए भारत की तरफ, वहाँ पर महिलाएँ भी इसमें, गर्ल्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। और बाकी आप क्या आगे के आने दिनों वाले में आने वाले दिनों की क्या आपकी रूपरेखा? हमारी ये साल में हमारा फोकस पूरा स्टूडेंट पे ही है, यूथ पे ही है। जितने हमारे आज हमने 12 स्टूडेंट चैप्टर इंस्टॉल किए, वो 12 स्टूडेंट चैप्टर में जितने हमारे 1000 मेंबर रहेंगे उनके साथ हमको जुड़ना है। उनको फील्ड विजिट देना है, उनको साइट विजिट देना है। अभी हमारे भावेश साहब रिलायंस में है, उनका इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत है, उनके CIIGBCC से कनेक्ट है। तो ऐसे एसोसिएटेड सोसाइटी जो है उनके साथ हमारे जुड़ाव ज़्यादा रहेगा, और यूथ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत मिलेगा। तो आज हम जिस जगह पे है उस जगह के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कॉलेज है बराबर, AP शाह। तो क्या ये किसे यहाँ परमानेंट आपका एड्रेस है, या ये आपने ये इसी के लिए जॉब फेयर के लिए हायर? नहीं नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा सवाल किया है। APSIT AP शाह कॉलेज हमारे स्टूडेंट चैप्टर यहाँ पे है, और स्टूडेंट चैप्टर के नाते हमारा उनका रिश्ता बहुत गहरा है। प्रिंसिपल, ट्रस्टीज़, HOD, TPO, फैकल्टी, स्टूडेंट मेंबर, इतने इशरे थाने के साथ जुड़े हुए कि ये वेन्यू हमारा ही वेन्यू ऐसा हम लोग मानते हैं। आज ये पूरा इवेंट यहाँ हो गया है, इसमें पूरा श्रेय TPO जो है मिस्टर फैजल भाई, यहाँ के जो फैकल्टी है, जो प्रिंसिपल है, जो स्टूडेंट वॉलेंटियर्स है, उनको जाता है, बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट हम ये नहीं कर सकते थे। मतलब ये पूरा टीम वर्क हो गया, पूरा टीम वर्क हो गया। तो बहुत सारी, हाँ जी, एक सवाल हेमंत भाई मेरी तरफ से। इशरे जो है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। मेरा नाम भावेश मेहता है, आई एम ऑल्सो एन इशरे मेंबर लास्ट मोर देन 30 ईयर्स। नाउ माई क्वेश्चन इज हेमंत भाई कि जनरली एज आई सेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज़्यादातर रहते हैं, बट ये जो आपने जॉब फेयर किया हुआ है ठाणे चैप्टर के अंडर, तो किस किस प्रकार के डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स आए हैं, किस किस प्रकार की कंपनियां आई हैं जो रिक्रूट कर रही हैं? बिकॉज मैं सुबह से 8 बजे से यहाँ देख रहा हूँ मैं कि आई आस्क सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम सिविल, दे आर फ्रॉम मैकेनिकल, दे आर फ्रॉम IT, दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द कंपनी अवेलेबल, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू? अभी ऐसा आप देखेंगे तो HVAC डोमेन हमारा इशरे से जुड़ा हुआ है, बट अगर आप थोड़ा सा एलिवेट करके सोचते हो तो ये हमारा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सिर्फ मैकेनिकल से सीमित नहीं होती है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम हमने इस बार मैकेनिकल तो है, उसके अलावा हमने सिविल को भी स्कोप दिया है, इलेक्ट्रिकल को भी स्कोप दिया है, IT एंड कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स, जो भी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग कॉलेज में है वो सब स्टूडेंट को हमने यहाँ पे बुला के अपॉर्चुनिटी दी है। बिकॉज एवरी कंपनी, वेदर इट्स HVAC कंपनी और एन इंजन कंपनी, दे नीड IT इंजीनियर, दे नीड सेल्स पीपल, दे नीड देयर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, दे नीड, सो एवरी वेयर देर इज़ इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट। सो हमने इस बार थोड़ा सा हमारा सा कम्फर्ट जोन से बाहर आके हमने पूरे स्ट्रीम को कनेक्ट करने का प्रयास ही इस बार किया है, और इस जॉब फेयर का सक्सेस ही ऐसा है कि यहाँ पे पूरी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन यहाँ पे हमने बुलाई है। तो सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी हम कह सकते हैं भटक रही है, भटक इस भी लिए भी रहे हैं कि डिप्रेशन सा एक हल्का सा माहौल है, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम सुधर गई है, तो सुधरने की वजह से डिग्रीधारी ज़्यादा हो गए हैं, जॉब कम हो गई है, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश सब स्टूडेंट को है कि आज उनको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आजकल की नई जनरेशन थोड़ी AI GPT फेसबुक ये थोड़ा सा उसमें डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उससे न जाके वो कैसा खुद को अपग्रेड करे, खुद को कैसा इन्वेस्ट करे, और एजुकेशन से कैसे जुड़े रहे, यही उनकी प्रयास दिन रात होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। और हमारे जैसे सोसाइटी जो इशरे है वो इसमें ये आपको सहायता कर सकती है, इसके वे कि भाई आप कनेक्टेड रहो, इंडस्ट्री से कनेक्ट रहो, एजुकेशन से कनेक्ट रहो, और वही आपको आगे जाके दिशा दे सकती है। हमारे साथ और यहाँ पर एक मुख्य यजमान यहाँ उपस्थित, हम जानना चाहेंगे सर कि आप यहाँ किस पद से जुड़े हैं? मेरा नाम भावेश मेहता है। इशरे जो हेमंत भाई ने बताया, लास्ट 33 ईयर्स से आई एम अ मेम्बर ऑफ इशरे चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद। और इशरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच ब्रिज द गैप बिटवीन
एकेडमिक्स एंड दी प्रोफेशन द एक्चुअल रियल इंडस्ट्री. सो इशरे का जो जो बताया हेमंत भाई ने 42 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी है विच इज़ अक्रॉस द कंट्री मोर देन 55 चैप्टर्स एंड मोर देन 35,000 मेंबर्स. तो स्टूडेंट एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं इट्स अ रियली फिनोमिनल वर्क पैन इंडिया. और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ इशरे थाने चैप्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री हेमंत भाई एंड द एंटायर टीम ऑफ APSIT EPSIT फॉर वंडरफुल arrangement of wonderful session from day. If you start, if you enter into the premises, you can very well, you can feel that how much the pain has been taken by each and every student members, the committee members, and heads to sell big salute to Hemant Bhai and the entire team for a grand success, gala success for this event. So, and I personally wish to acknowledge that ये फंक्शन को इनोग्रेट करने के लिए इशरे के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मधुकर ऑल द वे ही केम फ्रॉम बेंगलोर. वी ऑल्सो हैव द स्टूडेंट जोनल चेयर फ्रॉम अहमदाबाद ही केम फ्रॉम अहमदाबाद एंड लॉट्स ऑफ पीपल लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. जब सुबह मेरा इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट से एक टीम सांगली से आई है एक टीम रायगढ़ से आई है एक टीम आसनगांव से आई है. सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू थाने बट द स्टूडेंट्स केम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र. सो दिस शोज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री. This also shows the reputation which has been made by the chapter, student chapter, Ishare chapter, Thane. And I wish all the best to Hemant Bhai and an entire team for the gala success because the year is just started. The Ishare society year just started in the month of April. So long way to go, Hemant Bhai. And I'm sure that any support required from my side, I'm always available to support. Yeah. सिर्फ हम भावेश भाई की तरफ से नहीं हम मीडिया कर्मी की तरफ से भी कहना चाहेंगे आपको कि बहुत बहुत साधुवाद है क्योंकि एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं आप और इसमें जहां पर भी हमारी ज़रूरत हो मीडिया की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं. ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर युवा मजबूत बनेगा तो भारत मजबूत अपने आप में बन जाएगा. तो बहुत सारा साधुवाद आपको आज के प्रयास के लिए. भावेश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. तो दोस्तों आज इसरे की यंग युवा टीम हमारे साथ है जिन्होंने सुबह से काफ़ी मेहनत कर आज के इस फेयर के लिए काफ़ी मेहनत की. नमस्कार. आपका शुभ नाम? प्रियंका जी. आपका क्या पोस्ट है? मैं एक्सटेंडेड CWC कमेटी में हूँ एंड आज के इवेंट में आई वाज द एंकरिंग फ्रॉम 11 to 6 इवेंट. ओके ग्रेट. कैसा रहा आज का अनुभव? इसरे में आके मैं सिर्फ लाइक आई एम ग्रोइंग एंड आई एम लर्निंग एंड आई वुड लाइक टू थैंक हेमंत सर जो मुझे एवरी टाइम पुश करते हैं एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं. सो हेमंत सर बहुत बड़े दिस थिंग सपोर्ट रहे हैं मेरे लिए. सो अ बिग थैंक यू टू देम. आज सुबह से जो युवा आए हैं जॉब के लिए उनका अनुभव आपका कैसा? सर अभी जब मैं गई थी ऊपर आई सॉ ऑल दी HRs एंड ऑल दी स्टूडेंट्स देवर एवरी वन लाइक यू नो एक वो होते ना आशा के साथ आते हैं होप के साथ आते हैं एंड सेलेक्ट होने के बाद आई हैव इंटरव्यूड 1 or 2 पीपल एंड देखा मैंने तो उनका जो ये हैप्पीनेस यस वो बहुत ही लाइक यू नो अलग लेवल पे था. हेमंत सर से भी मेरी बात हो रही थी कि आज एजुकेशन सिस्टम बहुत सुधर गई है. हाँ. रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं. पहले इतने नहीं आते थे कोई भी फैकल्टीज हो सवाल इंजीनियरिंग का या नहीं है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं. जब अच्छे आपके पास रिजल्ट है अच्छी डिग्री है और बाद में जॉब नहीं मिलती तो मायूसी ज़्यादा होती है. राइट. तो ये मायूसी दूर करने का आज आपने प्रयास किया है. राइट. यस ब्रदर. आपका शुभ नाम? मेरा नाम पराग है. मैं इशरे थाना चैप्टर में सेक्रेटरी हूँ. ओके ग्रेट. ओके. और हमारा ये काफ़ी महीनों से एक प्लानिंग चल रहा था. आसान नहीं होता क्योंकि इतनी बड़ी जॉब फेयर एक या दो दिन में नहीं होती महीनों की इसके पीछे मेहनत होगी. आप काफ़ी महीनों से मतलब जब हमने ये हमारा जो इस साल का चैप्टर ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके पहले से हमने प्लानिंग करके रखी थी कि हम ऐसा कुछ बड़ा एक जॉब फेयर करेंगे और इसमें बच्चों का तो फ़ायदा है हमारी इंडस्ट्री का भी एक फ़ायदा है. अच्छा हमारी इंडस्ट्री में नया ब्लड आएगा नए थॉट्स आएंगे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी नए इंजीनियर्स मिलेंगे सेल्स में मार्केटिंग में R&D में क्योंकि जो यंग है वो पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं कुछ करना है उनको कुछ कर दिखाना है तो कंपनी को इसका बेनिफिट कंपनीज को उसका बेनिफिट मिलेगा. जो आप इधर ये सारी कंपनीज जो देख रहे हैं तो इनको मैकेनिकल फील्ड में IT में इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में जो इंजीनियर्स चाहिए थे तो हर इंडस्ट्री को आज के तारीख में जब मैं इन सब कंपनी से इंडिविजुअल लेवल पे भी जब मिलता हूँ काम के लिए या इन जनरल भी तो ये बोलते हैं हमको इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट में इंजीनियर्स की कमी है नए अच्छे थॉट प्रोसेस वाले यू नो यूथ के पास नई एनर्जी है नई थॉट है और एक नई वो एक क्लैरिटी भी नहीं रहता उनके पास और चीज़ कोई भी चीज़ को नज़रिया देखने का उनका बहुत अलग है और वो सक्सेस है बहुत हद तक.
तो वही है कि यू नो चार महीनों की मेहनत है ऑलमोस्ट, 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, 2,800 3,000 पहुंच गया होगा। सो 50 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं एंड अभी शाम को जब हमको आइडिया लगेगा कि कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं और वो उसकी खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है मुझे, उसकी बिल्कुल खुशी है क्योंकि इंडस्ट्री में ये नया ब्लड आएगा और हर इंडस्ट्री को जब आपको ग्रो करना है तो उसमें नया ब्लड आते रहना जरूरी है, यूथ चाहिए जो एनर्जी से भरा हुआ। तो हमारी जो HVC और MEP इंडस्ट्री है उसके लिए ये दिस इज़ अ गुड थिंग। चलिए ऑल द बेस्ट आपकी कंपनी के लिए भी, आपकी एनर्जी के भी लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ यहाँ के और आयोजक, मुख्य आयोजक जिसे कह सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इनको देखकर क्योंकि मुझे लगा था कि एक उम्रदराज व्यक्ति यहाँ होगा लेकिन देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की तरह लगने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं, तो ये युवाओं में और जोश भरने के लिए काफ़ी है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम। सर मेरा नाम फैसल खान है जी, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लेसमेंट सेल का हूँ AP शाखा। ग्रेट। मैं फाउंडर हूँ जॉफर यू कंपनी का। ओके ग्रेट। एज वेल एज जॉइंट सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल का, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे, ट्रेनिंग्स पे एंड हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया पे काम करते हैं ताकि वी क्रिएट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मोर नंबर ऑफ नॉलेज के व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। सो ये वी कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो आज का जो जॉब फेयर है इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि जॉब फेयर आपने काफ़ी देखे होंगे, वहाँ पर अलग 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 कंपनी आती है, लोग आते हैं जॉब लेके, बट ये जॉब फेयर स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिक था उनके ब्रांचेस के लिए। फॉर एग्जांपल आज के ड्राइव में 32 मैकेनिकल कंपनी आई है, 6 सिविल ब्रांचेस के लिए कंपनी आई है, 8 IT कंपनीज आई है, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की 14 कंपनी आई है, इतनी सारी कंपनी है और स्पेसिफिक। सो टुडे सिनेरियो इज कि जितने भी कंपनी के HRs आए दे ऑल आर वेरी हैप्पी क्योंकि उन्हें जो चाहिए था उन्हें एक जगह पे मिल रहा, प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, जिसके लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, कैंपसेस जाना पड़ता था, इंटरव्यू करवाना पड़ता था, तो एक वन शेल्टर के अंदर उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उनको। मतलब एक बोल सकते हैं कि एक पका पकाया खाना मिल गया, एक बन सकते एक डम ली, क्योंकि जब आपके पास आए होंगे यूथ तो उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा पूरा डाला होगा, तो बोल सकते हैं उसको क्लियर करके आपने उन तक पहुँचाया। और मैं ये समझता हूँ सर कि आज के दिन की, मैंने पहले भी कहा यही इंटरव्यू में पहले कहा था कि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, एजुकेशन में रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं पहले की मदद, लेकिन जॉब नहीं है। और वो जो एक मायूसी होती है युवा में, वो मायूसी उनको फिर डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, ड्रग्स या कहीं और गलत रास्ते पे ले जाती हैं। तो आपने ये दोनों ही कंपनियों के हित के लिए तो किया ही किया है, स्टूडेंट भी, क्योंकि मैं जब आ रहा था मैंने देख रहा था कि चेहरे पे खुशी थी स्टूडेंट की, तो खुशी तभी हो सकती है जब उनको कुछ मिला, अचीव हुआ है। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और आज इस फेयर के अंदर, मतलब समाप्ति की ओर शायद जा रहा है, अभी भी है एक आध घंटा वक्त है, 3,000 के ऊपर स्टूडेंट ने इन्होंने हिस्सा लिया, तो कैसा उसके बाद का अनुभव, आपके चेहरे की खुशी दिखा रही कि अंदर की खुशी क्या? सर तो आज का जो टोटल फुटफॉल आप देखते हो कि 3,000 प्लस बच्चों ने रजिस्टर किया है जी। अब उसमें से हमने एक प्रोसेस किया था जिसको हमने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करके नाम दिया था CAT जी। अभी आपको पता है सब कंपनी होती है उनके क्राइटेरिया अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, बट 2 हफ्ते पहले हमने कंपनी के साथ मीटिंग करी और मीटिंग करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म की हमने उनसे मांग की ताकि सब कंपनी का एप्टीट्यूड जो फर्स्ट राउंड है कॉमन हो। सो एवरी कंपनी अप्रिशिएट दिस आइडिया, वी हैव हायर्ड एन वेंडर फॉर दैट। उससे ऐसा हुआ कि सब बच्चों ने एक साथ सुबह बैठ के एप्टीट्यूड दिया, एप्टीट्यूड में जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट थे उनको उनके हिसाब से हमने रिज्यूमे को मैपिंग की। फॉर एग्जांपल एक अगर मैकेनिकल स्टूडेंट है, अब मैकेनिकल के अंदर से काफ़ी फील्ड्स होती है, जैसे एक होता है प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, असेंबली इंजीनियर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर होता है, डिज़ाइनिंग होता है, HVAC होता है, काफ़ी फील्ड है। तो उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमने कंपनी की मैपिंग करी और उसके रिजल्ट को हमने उस कंपनी तक के पहुँचाया। ग्रेट, मतलब काफ़ी आसान कर दिया दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो इस प्रोसेस के लिए मतलब हमारी, मैं मेरी टीम में दीपाली राजगुरु, मेरे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, इन सब का काफ़ी मतलब योगदान रहा। मतलब दे गाइज आर वर्क टायरलेसली फॉर लास्ट 15 डेज। मतलब मैंने अभी कहा था कोई आयोजन, इतना बड़ा आयोजन कुछ चंद दिनों की मेहनत नहीं हो सकती, ये महीनों की मेहनत है। और उसमें भी लास्ट के जो दिन होंगे वो तो आपकी रात की नींद हराम कर दी होगी उन्होंने, और लेकिन आज सक्सेस के बाद जो नींद आएगी काफ़ी गहरी है। बेशक सर, बेशक बहुत अच्छी नींद आएगी, और उससे ज़्यादा सर हमसे ज़्यादा जो बच्चों को जॉब लगी है और वो जब नहीं सोएंगे, वो आज नहीं सोएंगे, वो तो नहीं सोएंगे, बट जब वो अपने घर जाएंगे अपने पेरेंट्स को बताएंगे
जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को लगेगा हमने तो उनके लिए हार्डवर्क किया था, आज वो हार्डवर्क पे ऑफ हो गया। यस 100% आज उनको मतलब उनके पेरेंट्स को जो खुशी मिलेगी वो प्राइसलेस है, बड़ा प्राइस वो प्राइसलेस। अब वो हमारे लिए दुआ है सर 100%। एंड इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हमने इस जॉब फेयर में इशरे ने एप्सिट ने हमने किसी से भी एक रुपए की ना मांग की है, ना किसी से हमने कोई डोनेशन लिया है, ना किसी स्टूडेंट से हमने कोई रजिस्ट्रेशन फीस लिया है। दिस इज टोटली CSR, अ चैरिटी एक्टिविटी वेयर इन वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल गेट द जॉब एंड वी क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मोटो एंड यू आर द विटनेस एंड वी अचीव्ड इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो दैट्स इट। तो फैजल भाई, मैं पूरी युवा टीम की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ कि समाज की आज के सबसे बड़ी ज़रूरत है, बराबर, क्योंकि युवा अगर कमाएगा, मजबूत बनेगा तो कहीं ना कहीं भारत अपने आप में मजबूत बनेगा। हमारा देश युवाओं का देश है, युवा आज के दिन में हमारा युवा विश्व प्रसिद्ध है और उसमें भी उनको आप अच्छे ये दे रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दिनों में आप इस तरह के और प्लान करते रहें। हमारा मीडिया आपके साथ हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएंगे और डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ यहाँ युवा एक हैं जो यहाँ की मुझे लग रहा है कि चेहरे की चमक और कार्य दिखा रहा है। आपका शुभ नाम, आप क्या कर रहे हैं? तो सर मेरा नाम मिस मनमीत कौर हुड्डा है और मैं स्टूडेंट हूँ एपीशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। और जैसे कि हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया का, और मैं मतलब अपने आप को इतना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मुझे फैजल सर के साथ में काम करने का मौका मिला और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था उनके साथ TPO सेल एपीशा के तरफ से, जिसके साथ में हमारा कोलैबोरेशन था इशरे जॉब फेयर के साथ में। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मतलब हमने इतने क्विक एक्शंस लिए जो ऑन टाइम क्राउड मैनेजर एंड ऑल, तो बट मतलब बहुत सारे डिसीजन होते हैं उसी टाइम लेने होते हैं इसको। और वो स्किल्स सीखने का मुझे मौका मिला सर के साथ रह के, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और सर की तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ही इज़ लाइक द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस इवेंट। आज जो युवा आए शाम तक, आपका अनुभव कैसा रहा, युवा की खुशी कैसी? एक्चुअली आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। हमें काउंट किया था कि 2000 स्टूडेंट्स का, बट वी वर अमेज्ड क्राउड देख के, और 3000 प्लस रजिस्ट्रेशन आए, उसमें से सब बच्चे इतने खुश कि हम इतनी कंपनीज भी ऐसा लग रहा था जैसे कम है, एंड वी आर थिंकिंग कि काश हम और कंपनीज ला पाते, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे स्टूडेंट्स को। बट जितना भी हुआ 3000 प्लस के हिसाब से हमने हमारा बेस्ट दिया यहाँ पे और अच्छे से अच्छी कंपनीज प्रोवाइड की, सबको एप्टीट्यूड टेस्ट का मौका दिया, सबको इंटरव्यूज राउंड हुए, रिजल्ट्स इतने अच्छे आए, और जाने के टाइम सबके चेहरे पे खुशी थी। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द सक्सेस, हमें खुशी इस बात की है कि सब खुश होके गए हमसे। होने चाहिए जी। एक सवाल मेरी तरफ से जी, बोलो। नाम जी, मेरा नाम मनमीत कौर हुड्डा। मनमीत कौर हुड्डा, सो मनमीत, यू आर अ पार्ट ऑफ APSIT लास्ट 3 years, मोर देन 3 years। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, नाउ यू आर इसरे स्टूडेंट चैप्टर मेंबर लास्ट फ्रॉम डे वन, आई थिंक फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, सो टोटल ओवरऑल 3 year एक्सपीरियंस, हाउ यू फील योर एक्सपीरियंस एंड वॉट एडवाइस यू गिव द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन इन दिस कॉलेज और इन द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मुंबई और इन इंडिया, सो वॉट इज योर एक्सपीरियंस एज अ इसरे स्टूडेंट मेंबर, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट स्कूल से होती है और फिर कॉलेज में, स्कूल तो 10th तक हमारा ऐसे ही जाता है, बट कॉलेज में वेयर इज़ वी रियली ओपन अप टू आर स्किल्स, फिर भले वो करिकुलर स्किल्स हो, कल्चरल स्किल्स हो, या ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, या फिर भले हम एडुकेशन के पर्पज़ से देखें तो एकेडमिक्स। एंड आई थिंक बींग द पार्ट ऑफ इशरे एज वेल एज APSHA इंस्टीट्यूट वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी इन दिस कॉलेज। और एंड आई एम लाइक, अगर ये कॉलेज नहीं होता तो मैं आज इतनी ओपन अप नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलो, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाली है, कहीं ना कहीं इन सब की अपब्रिंगिंग मुझे कॉलेज और ये इसरे फेयर जॉब ने और ये इवेंट ने, ये सब जो गाइडेंस जो मुझे मिला ये इन सब से ही मिला है। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं बोल चाहूँगी कि आज मैं जो हूँ, आज मैं जहाँ स्टैंड कर रही हूँ और मैं इतना बोल पा रही हूँ, तो ये पूरा गाइडेंस मुझे यहाँ से मिला है, ये पूरी अपब्रिंगिंग यहाँ की है। तो मुझे लगता है गुरु पूर्णिमा अभी गई है और आपने गुरुओं के लिए आज जो भी शुभेच्छा शुभकामनाएं है सच में। गुड, सो आई थिंक थैंक यू फॉर योर बाइट्स एंड आई ऑलवेज फील दैट आई ऑलवेज विश बेस्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ APSIT एंड ऑल द फ्रेटर्निटी बेस्ड ऑन इशरे थाने स्टूडेंट चैप्टर्स।
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच नीलेश भाई। मैं हमारे साथ जो युवा हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, लेकिन आज जो इंडिया ग्रो कर रहा है, आज एजुकेशन के हिसाब से आगे जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब अगर एजुकेशन सिस्टम को मायने रखते हुए अगर मैं बोलूँ तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। टेक्नोलॉजीज जो इंक्रीज़ हो रही है, भले अनएम्प्लॉयमेंट है वो सही बात है, बट एटलीस्ट एकेडमिक्स कॉलेज के इतने ग्रो हो चुके हैं, जो न्यू सिलेबस हर साल अपडेट हो रहा है। पहले 10-10 साल तक एक ही बुक्स रहती थी, वही बुक पढ़नी है, पर नहीं, अब हर साल हिस्ट्री की बुक हो कि साइंस की बुक हो कि इंजीनियरिंग की बुक्स हो, हर साल उसमें अपडेट्स आ रहे हैं। एकेडमिक्स ग्रो हो रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, कंपनीज़ कहाँ पहले 4 और 5 थी अभी इतनी सारी हो चुकी है। और विदेशों में हमारी जो भारतीय एजुकेशन या हमारे स्टूडेंट की मांग बहुत बढ़ी है, जो कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ और जो आप बोल रहे विदेशों का अगर हम निकालें ना, तो उनकी कंपनीज़ में 50% तो इंडियंस ही हमारे काम कर रहे हैं। मतलब आजकल बहुत अच्छी डिमांड निकली हुई है, जो ये इन सालों की, पिछले कुछ सालों के अंदर हम कह सकते हैं कुछ सालों में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई भी इवन वहाँ के कॉलेजेस में अपने इंडियंस का ही ज़्यादा है। तो वो सब अगर मैं ध्यान में रखूँ तो मुझे इतना प्राउड फील होता है टू बी एन इंडियन एंड ऑल्सो टू बी द स्टूडेंट ऑफ ए पी शाह इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। तो मित्रों, ऐसा कहते हैं कि कोई भी एपिसोड रिपोर्टिंग जब तक दोनों पक्ष को ना सुना जाए पूरी नहीं होती। हमने यहाँ युवा को देखा, यहाँ के ट्रस्टी जिन्होंने आयोजन किया उनको भी सुना, लेकिन हमें कंपनी जो आज आई थी यहाँ से स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट को हायर करने के लिए आई थी, उनका इंटरव्यू बाकी था। तो मेरे साथ यहाँ पर एक कंपनी के अहदेदार जुड़े हुए हैं जो आज सुबह से यहाँ पर थे। सर, आपका शुभ नाम, कौन सी कंपनी से हैं? नितिन पंसारी, आई एम फ्रॉम एलमैक इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, वी आर अ टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी बेस्ड आउट ऑफ ऑल इंडिया, and we have offices across India, Chennai, Bombay, Pune, Calcutta, and we are expanding. So ideally what challenges we had been facing earlier was to find engineer for sales background in Bombay and surrounding like Pune areas and Bombay areas. So I had got this reference from the director of the company. He'd asked me to visit this place which could be of interest for us. As soon as I came here in the morning, I was a little bit upset at the start, at the outset कि अपना यार आना successful नहीं हुआ, लगता है अपनी जो खोज है वो खोज वैसी रह जाएगी। Then as the students started coming in, I was so tied up and I could not give time to 100% of the students. But I still managed to take 25-30 interviews in a span of 3 hours. Which is a good according to the aptitude test also they had to take, and starting introduction also by the HR of the company Sonam, and accordingly then we are quite happy with the performance and how the event was organized, and I think I would be hiring majority of the requirements that I had. And overall a good experience, and a very big thank you to Faisal Khan who has done all the arrangement very beautifully, and meeting the recruitment factors of the companies is, and I wish him all the best for his new role also. He just told me about this. Yes, so, but overall good experience, thank you. मतलब ये है कि आज का ये fair जॉब फेयर 100% सक्सेसफुल रहा, ये हम कह सकते हैं। yes. क्योंकि हमने छात्राओं के जो यूथ के चेहरे पे खुशी देखी, साथ ही साथ हम कंपनीज के चेहरे पे भी खुशी दिख रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। प्रोवाइडेड एवरीबॉडी जॉइंस अस। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सर, और मैं आपसे स्पेशली, क्योंकि आज जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा है कि युवा जितने हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आप क्रिएट करें, उनको मिले, तो ये आप और ज़्यादा आपकी कंपनी बिग हो, बढ़े, और आप ज़्यादा और अगले साल या अगले आने वाले फेयर में आप और ज़्यादा स्टूडेंट को आए। माय मोटो एंड द कंपनीज मोटो इज टू ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटीज टू न्यू पीपल एज वेल, हुएवर इज नॉट डन एनीथिंग, बट इफ देर इज एनी अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन क्रिएट, मेड बी सेल्स, मेड बी एप्लीकेशन, मेड बी इनसाइड सेल्स फंक्शन, टेंडर रिलेटेड, वी हैव मल्टीपल ओपनिंग्स, वेर एवर आई सी अ कैलिबर ऑफ अ पर्सन दैट कैन बी ऑफ इंटरेस्ट, वी ट्राई टू गिव देम अपॉर्चुनिटी इन दैट डायरेक्शन। गुड सर, थैंक यू सो मच। तो मित्रों, आज हमने, और जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर कि कुछ कंपनी आई हुई हैं इन युवाओं में से जो टैलेंटेड हैं उनको हायर करने के लिए, अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए, तो आज हमारे साथ और एक कंपनी के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम, कौन सी कंपनी? नमस्कार, मेरा नाम है
अभिजीत कामत, हमारे कंपनी का नाम है क्रूगर वेंटिलेशन। हम लोग बेसिकली डील करते हैं इंडस्ट्रियल फैंस में, जो वेंटिलेशन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में यूज़ किया जाता है जी। और हम लोग पैन इंडिया में मल्टीपल प्रोजेक्ट में इसको सप्लाई करते हैं। और हमारी जो कंपनी है ये बेसिकली सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो शाहपुर में है। तो हम लोग काफ़ी बड़े क्वांटम में फैंस ऑल ओवर द इंडिया मेजर प्रोजेक्ट्स में हम लोग सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग वेरियस एयरपोर्ट्स में, मल्टीप्लेक्स, मॉल। अभी रिसेंटली हम लोगों ने मुंबई मेट्रो में भी काफ़ी फैंस सप्लाई किए। तो मतलब मुंबई घर जहाँ घूमेगा थोड़ा ठंडा होगा तो कंपनी श्रेय आपको जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट, कूलिंग का भी श्रेय जाएगा और जहाँ पे भी वेंटिलेशन रहेगा वहाँ पे भी हमारे फैंस रहेंगे। यस सर, कैसा लगा आज आप आए हैं जॉब फेयर में? जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दिन की सबसे बड़ी समस्या है कि युवा के पास टैलेंट तो बहुत है, डिग्री बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार नहीं है, कमी है रोजगार की। तो आज आप सुबह से यहाँ पर आए हैं, तो आपको कितने कैंडिडेट, क्या आपकी अपेक्षा यहाँ पूर्ण हुई आकर, कैसा लगा? जी हाँ, मॉर्निंग से हम लोगों ने करीबन 20-25 लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे किया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि अभी के युवा में वो भूख है, हंगर है, वो जोश है। एक्चुअली काफ़ी लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हुए हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स में इंटरनल कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे है। यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स भी देखे, कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कुछ करने की, मेहनत करने की एक जोश देखा, देह देखा। और कुछ केसेस में हम लोगों ने देखे कि थोड़ा सा लेजी अप्रोच भी था, माइट बी इसका मेन रीज़न इसके लिए भी जा सकता है कि कोविड में जो ऑनलाइन जो कॉलेज हुआ, या लोग थोड़ा बहुत जो भी ऑनलाइन किया कंफर्ट में रहे, तो वो गैप की वजह से भी हो सकता है। मतलब फिजिकली अब लोग संघर्ष करना नहीं चाहते, जो बैठे बैठे ऑनलाइन जो हो रहा है आदत। जी हाँ जी हाँ, लेकिन आफ्टर ऑल अनुभव अच्छा रहा कुछ पर्सन को छोड़ते हुए जी। राइट, और मैं ये तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो इंडस्ट्री है ये एयर कंडीशनिंग का इंडस्ट्री है, और यहाँ पे जॉब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया में जॉब की कमी है। एटलीस्ट हमारे एयर कंडीशनिंग फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि इतना ह्यूज रिक्वायरमेंट है कि जितने मैकेनिकल इंजीनियर्स आएंगे और अगर वो एयर कंडीशनिंग फील्ड के और आते हैं तो उनके लिए जॉब की कमी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आजकल जो एक मतलब नॉर्मली हमारे मन में है कि बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी है तो सामने पक्ष पे ज़रूरत है लेकिन अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, या दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा। इसरे को जाता है कि आपको आज मिला है उन लोगों से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू अगर हम लोग प्राइवेट वे में करने जाते हैं फ्रेशर्स में, तो उस टाइप का रिस्पांस आता नहीं है, या स्टूडेंट्स हमको एट अ टाइम नहीं मिल पाते। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एट अ टाइम हमको इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, और हम लोग उनको रेट करके हमको जिस हिसाब से चाहिए वी कैन रिक्रूट देम। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर इसरे की जो टीम है वो फिल्टर का काम कर रही थी। सही बात है। ये सभी कंपनियों को जैसे कैंडिडेट चाहिए उनके पास, अदरवाइज क्या होता, सब आपके पास आते हैं तो उसमें से आपके लिए भी मुश्किल हो जाती, 3,000 में से 20 लोग को चुनना। लेकिन ये हुआ कि उनको पता था कि आपकी रिक्वायर क्या है, तो वो हिसाब के आपके सामने रखा, तो दोनों पक्ष पे आसान हो गया। तो ये बहुत अच्छा प्रयास इसरे का रहा। यस यस एब्सोल्युटली। सो मैं हमारी कंपनी के ओर से इसरे को स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिसके वजह से इतना स्मूथली ये इंटरव्यू लाइनअप हुआ, और आई होप हमको जिस हिसाब से स्टूडेंट्स चाहिए, जिस हिसाब से कैंडिडेट चाहिए, वो शायद आज हमको मिल जाए। ग्रेट। तो चलिए, आपकी कंपनी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और आपने ये इंटरव्यू लोगों तक जाएगा, युवा तक जाएगा, तो उनमें एक होप बनेगी कि आपने जैसे कहा कि आपकी जो फैकल्टीज है उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हम लोग जिस इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं फैंस वाले, वी आर कैटरिंग दिस एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, और जिस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आईटी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो आई कैन सी कि अगले 25 ईयर्स तक एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में बहुत ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो किसी ने वेट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट विल ब्रिंग सम जॉब्स एंड ऑल, राइट? जो टिपिकल जॉब्स आते हैं, इनडायरेक्टली भी जॉब क्रिएट हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है एयर कंडीशनिंग फील्ड में, तो बहुत बढ़िया जॉब क्रिएट हो रहा है। सो काफ़ी सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन्होंने अगर फोकस किया एयर कंडीशनिंग पे,
तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें बहुत इजीली जॉब मिल सकता है एंड दे कैन मेक अ फैंटास्टिक करियर इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में कौन सी स्टडी करके क्या क्या कोर्स से आप जुड़ा जा सकता है, युवा को आप संदेश देना चाहें? यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए अगर वो लोग एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर उनके कॉलेजेस ये जो ईशरे या ऐशरे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जुड़ते हैं और उनके स्पेशलिस्ट लोगों का गाइडेंस लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स को वो डायरेक्शन में मोल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली उनका इंजीनियरिंग भी कंप्लीट होगा और अपने देश को कला से निपुण काफ़ी अच्छे लोग मिल सकते हैं। क्योंकि युवा है तो जोश भरा है, एनर्जी है, जो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, उनके पास क्रिएटिव है। आज के दिन का जनरेशन बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है। तो मित्रों, मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और इनके द्वारा, इस इंटरव्यू के द्वारा हमारे युवा मित्रों को कहना चाहूँगा कि भाई ने जैसे कहा कि एयर कंडीशन और बाकी इसके अंदर काफ़ी आपकी रिक्वायर हैं, उस कोर्सेज को आप कैसे किया जाए मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। अपनी कॉलेज में जाके मार्गदर्शन लीजिए और ज़रूर आगे बढ़िए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। धन्यवाद। आई कैन ओनली विश क्रूगर फॉर whatever the expectation they have, it should meet today, or it hope it all meet today, and I wish all the very best for your brilliant future in this country. Thank you very much. तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम किसी और एक संस्था के बारे में बात करेंगे, किसी आयोजन के बारे में बात करेंगे, किसी इवेंट के बारे में बात करेंगे या किसी राजनेता से मुलाकात करेंगे। आप भी किसी क्षेत्र के बारे में आपको जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस आपकी इच्छा को पूरी करने की। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।